कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में धान की मिलिंग को और गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने बैठक में कहा है कि पिछले एक माह के दौरान मिलिंग में गति आई है, लेकिन इसमें और तेजी लाए जाने की जरूरत है ताकि आगामी सीजन में उपार्जित धान के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। कलेक्टर ने बैठक में मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलिंग में आ रही कठिनाइयों पर भी चर्चा की तथा उनके शीघ्र निराकरण का भरोसा दिया। श्री शर्मा ने मिलिंग से शेष धान की मिलिंग के लिए अनुबंध का निष्पादन आने वाले 8-10 दिन के भीतर कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने मिलर से कहा कि लक्ष्य के अनुरूप धान की मिलिंग नवंबर माह के अंत तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए और इस कार्य में जहां भी जरूरत होगी प्रशासन की ओर से मिलर्स को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में नवंबर माह के अंत तक 4,36,000 मैट्रिक टन धान का मिलिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अभी तक 2,12,000 मैट्रिक टन धान की मिलिंग का अनुबंध हो चुका है। साथ ही में शेष करीब 1,25,000 मैट्रिक टन धान की मिलिंग के लिए मिलर्स के साथ अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर ने मिलिंग के बाद धान रखने के लिए उपलब्ध स्थान का ब्यौरा भी बैठक में लिया। साथ ही में बैठक में जिला विपणन अधिकारी रोहित बघेल एवं राज्य भंडारण गृह निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। आज मिलर्स एसोसिएशन के लोगों को आमंत्रित किया गया था। उद्देश्य यह था कि जो धान की मिलिंग की एक्सरसाइज चल रही है उसको और तीव्र गति प्रदान किया जाए। यद्यपि अभी पिछले एक महीने में तेजी आई है धान की मिलिंग में, अभी तक लगभग 2,00,000 मैट्रिक टन का अनुबंध हो चुका है और 1,00,000 से अधिक का आर ओ भी कट चुके हैं और तेज़ी से सभी मिलर्स जो हैं वो मिलिंग कर रहे हैं। FCI को भी धान जारी है और साथ साथ में नान वालों को भी धान जारी है और ये कार्य हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर के अंत तक 100% धान जो 4,00,000 मैट्रिक टन यहाँ पड़ी है उनका अच्छे से मिलिंग करवा के और उनको या तो नान या FCI को हम लोग कोई ट्रांसफ़र कर दें ताकि अगले सीजन के लिए हमारे पास स्पेस जो है वो बन जाए। सर, बरसात के सीजन में रखने की व्यवस्था नहीं हो पाती, कई जगह धान सड़ चुकी है। नहीं, इसीलिए ये मिलिंग का एक्सरसाइज है, धान सभी दूर ढकी हुई है। आज मिलर्स ने भी सब लोगों ने इसको संतुष्टि जाहिर की है क्योंकि यदि धान खराब होगी तो सबसे पहले प्रॉब्लम मिलर्स को ही होगी, लेकिन इस प्रकार की कोई शिकायत मिलर्स द्वारा नहीं की गई है। FCI को के स्पेस को लेकर जरूर एक इशू आ रहा था कि रामपुर डिपो में स्पेस कम पड़ रहा था, तो इसीलिए बड़खेड़ा में भी एक और स्पेस FCI ने बना लिया है। अब दोनों जगह पर जो है मिलिंग की हुई जो धान है चावल के रूप में जो है वहाँ जमा होगी और वहाँ से रैक पॉइंट पे रैक के माध्यम से जो है वो ट्रांसफर होगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।